फिल्म आदि पुरुष हर दिन किसी नए रीजन की वजह से सुर्खियों में है। फिल्म के डायलॉग्स हो या उसकी कहानी या फिर कैरेक्टर्स की लुक, सभी चीजों का विरोध किया जा रहा है। फिल्म के डायलॉग्स के कारण फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है, जिसके बाद फिल्म के राइटर ने आदि पुरुष के डायलॉग्स में कुछ चेंजेस किए हैं। आपको बता दें कि नेपाल में फिल्म पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब ये बैन हटा दिया गया है। दरअसल फिल्म के एक सीन में माँ सीता को भारत की बेटी बताया गया है। नेपाल में इसी फैक्ट पर बवाल हुआ, जिसके बाद यहाँ सभी हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी घोषणा काठमांडू के मेयर बलिंद्र शाह ने की थी। बात करें फिल्म की कमाई की, तो 600 से 700 करोड़ के बजट में बनी आदि पुरुष ने पहले दिन और पहले वीकेंड तक तो अच्छी कमाई की थी, और जैसे जैसे बवाल बढ़ता गया, इसकी कमाई में लगातार भारी गिरावट देखने को मिली। आदि पुरुष के लगातार गिर रहे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर फिल्म के मेकर्स टेंशन में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सातवें दिन 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई नहीं की है। अब फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता देख फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने हाल ही में अपनी जान का खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। बताया जा रहा है कि मनोज के बाद अब इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत को भी पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। फिल्म को लेकर एक नया अपडेट ये भी सामने आया है कि मेकर्स ने फिल्म की टिकट प्राइस कम कर दी है। फिल्म की टिकट का रेट मेकर्स ने 150 रुपए कर दिया है, यानी कम प्राइस में लोग ये फिल्म 3D में देख पाएंगे। बता दें कि ओम राउत की बिग बजट फिल्म आदि पुरुष में प्रभास ने भगवान राम का रोल अदा किया है। कृति सैनन माँ सीता के किरदार में दिखाई दी हैं। वहीं सैफ अली खान रावण के रोल में नजर आए हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी और इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।